अब रहा एक श्री राम नाम, अब रहा एक श्री राम नाम, आधार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीवन स्तार हेतु अवतार बाबा। अब रहा एक आधार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीवन स्तार हेतु आधार बाबा तुलसी। ओ अब रहा एक श्री राम नाम हारा, आधार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीवन स्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन स्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। आर बाबा तुलसी 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 तुलसी। राजापुर के सभी लोग, हाँ राजापुर के सभी लोग, इस रत्न निधि ना परख सके, रत्न निधि ना परख सके, और चुनिया को भी दुनिया में विधि अधिक दिनों तक रख सके, और चुनिया को भी दुनिया में विधि अधिक दिनों तक रख न सके। और श्री राम नाम हार बाबा तुलसी कलि कुटिल जीवन स्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन स्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन स्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। जब शिवलिंग से लिपट कर रोए कि मेरा कोई नहीं, और देखो परमात्मा से मिलने की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि जब तक मेरा कोई है तब तक परमात्मा की ओर ध्यान नहीं जाएगा। भरी सभा में द्रौपदी के बाल खींच करके दुशासन ला रहा है। पहले पांचों पतियों को देखा कि मेरे पति हैं, चक्र नहीं आया, न चक्रधारी आया। जब पांचों पतियों ने सिर झुका लिया तो अंधे धृतराष्ट्र को देखा, जो कि बाहर से भी अंधा था और भीतर से भी अंधा था, कि ये कुछ करेगा, उसने भी नहीं। सबसे बड़े धनुर्धर कुल के वयोवृद्ध भीष्म पितामह को देखा, उन्होंने भी मुंडी लटका दी। गुरु द्रोणाचार्य को देखा, कोई नहीं आया। तब याद आया, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, मेरी लाज जा रही है, एक क्षण में साड़ी बढ़ती चली। तो ये पहली सीढ़ी है कि जब तक ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, बोले मेरी इसको जरूरत नहीं है। जैसे ही शिवलिंग से रोए कि मेरा कोई नहीं, उसी समय प्रकट हो गए भूतनाथ। बोले पार्वती, तुम संसार की माता हो, तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा है और तुम्हारे दरवाजे पर भूखा पड़ा है। तो किसी की मां रोटी खिलाती होगी, किसी की मां बिस्कुट खिलाती होगी, लेकिन बाबा तुलसीदास को संसार की मैया पार्वती ने पायस खिलाया। पायस किसे कहते हैं? घर में जो खीर बनती है वो पायस नहीं होती है, जो यज्ञ के लिए खीर बनती है पवित्रता से, गाय के दूध से, वो यज्ञ वाली खीर मैया पार्वती ने तुलसीदास को खिलाई। और किसकी आज्ञा से? शंकर जी की आज्ञा से। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कौन है? फिर गुरु मिले,
शंकर जी ने गुरु नरहराचार्य को आज्ञा दी कि बालक को लाओ और विद्या अध्ययन कराओ। और हनुमान चालीसा का सबसे पहला दोहा कौन सा है? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मैं अपने गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूं। और एक चौपाई बाद में हम गाते हैं कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। हे हनुमान जी, जैसे हमारे गुरुजी हम पर कृपा करते हैं, उस प्रकार से हमारी आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो एक श्लोक है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। ब्रह्मा क्या करता है कि सृष्टि को पैदा करता है। तो संसार में सबसे पहली गुरु कौन है बतलाइए? सबसे पहले गुरु कौन है? मां, जो हमको जन्म देती है और बताती है कि ये तेरा पिता है, ये तेरा दादा है। तो हनुमान जी जैसे मां पालन करती है, उसी तरह आप हमारा पालन करिए। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की। बाल काल में मां गुरु के रूप में हमारा पालन करती है, ब्रह्मा के रूप में हमें पैदा करती है। तो हनुमान जी आप हमारी रक्षा मां की तरह करें। फिर जवानी में जो हमें शिक्षा देता है, जो हमारा अध्यापक है, शिक्षा देने वाले 100 गुरु होते हैं, पिता भी होता है, अध्यापक भी होता है, व्यापार सिखाने वाला भी होता है, संसारी कर्म सिखाने वाला भी होता है। तो जवानी में भी हमें जो शिक्षा देता है वो गुरु है। तो जब हम बड़े हों तो हनुमान जी गुरु की तरह आप हमें शिक्षा दें। और सबसे बाद में अध्यात्म गुरु मिलता है। इसी प्रकार जीव के ऊपर अधिकार है, सबसे ज्यादा अधिकार है जो शिक्षा देने वाला गुरु है, उससे 10 गुना अधिकार पिता का है, और पिता से 10 गुना अधिकार माता का है, और माता से भी 1000 गुना अधिकार। एते चामप सर्वेशम दियते ज्ञान दो गुरु, जो गुरु हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। गुनाम अंधकार और रूनाम प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, संसार से परमात्मा की ओर ले जाए, वो दीक्षा गुरु होता है। शिक्षा गुरु 100 मिल सकते हैं, पालन करने वाले गुरु 100 मिल सकते हैं, परंतु दीक्षा गुरु एक होता है। और हनुमान जी तीनों रूप में हैं कि हनुमान जी हमारा पालन भी करते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, और तुम रक्षक काहू को डरना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और असबर दीन जान की माता। और आखिरी जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना।
जय 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 हनुमान भुताई कृपा करो गुरुदेव की दाई लगा लो प्रीत सतगुरु से भरम सब छूट जाएंगे लगा लो प्रीत सतगुरु से भरम सब छूट जाएंगे लगा लो प्रीत सतगुरु से भरम सब छूट जाएंगे लगा लो प्रीत सतगुरु से भरम सब छूट माया जाल है भारी फंद सब टूट जाएंगे ये माया जाल है भारी फंद सब छूट जाएंगे ये माया जाल है भारी फंद सब छूट जाएंगे ये माया जाल है भारी फंद सब छूट जाएंगे सुनो गफलत में ना रहना तुम्हें सतगुरु जगाता है सुनो गफलत में ना रहना तुम्हें सतगुरु जगाता है सुनो गफलत में ना रहना तुम्हें सतगुरु जगाता है सुनो गफलत में ना रहना तुम्हें सतगुरु जगाता है तुम अब नींद से जागो कि तुम अब नींद से जागो स्वप्न सब टूट जाएंगे कि तुम अब नींद से जागो स्वप्न सब टूट जाएंगे गुरुदेव भगवान की जय नहीं होगी होनी है तो होनी है न होनी हो नहीं होगी होनी है सोहनी है न होनी वो नहीं होगी होनी है तो होनी है होनी नहीं होगी करता है सो भरता है जो करता है सो भरता है कर्म सब छूट जाएंगे लगा लो प्रीत सतगुरु से भरम सब छूट जाएंगे जय 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 हनुमान गुसाई जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई 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 प्रीत सतगुरु से भरम सब छूट जाएंगे लगा लो प्रीत सतगुरु से भरम सब छूट जाएंगे माया जाल है भारी फंद सब टूट जाएंगे ये माया जाल है भारी फंद सब छूट जाएंगे माया जाल है भारी फंद सब छूट जाएंगे शंकर जी की कृपा से तुलसीदास को गुरु मिले कौन नर हरि नर में ही हरि गुरु कौन है शरीर से नर परंतु हैं हरि इसीलिए जब तक हमारी भावना रहती है कि हमारा गुरु मनुष्य है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और जिस दिन भावना हो जाती है कि हमारे गुरु भगवान हैं गुरु बनाने के पहले हजार बार सोचो भीड़ में मत बनाओ देखा देखी मत बनाओ पानी पिए छान गुरु करे जान पहले संगत करो पहले महात्मा तो दीक्षा देते ही नहीं थे जब तक 12 वर्ष संतों की शीत प्रसादी जूठन कोई नहीं खाता था 12 वर्ष तक संतों के आश्रमों में सेवा नहीं करता था तब तक दीक्षा नहीं देते थे पर आजकल तो गुरुओं की मार्केट लगी हुई है गुरु जी खड़े बाजार में हमसे दीक्षा लेओ नरक परो या स्वर्ग में हमें रुपया दो
तो चेला को ही सोचना पड़ेगा कि हम किसे गुरु बनाएं और किसे नहीं बनाएं। पहले भीड़ में ढोंगियों को बना लेते हैं, फिर गाली सबको देते हैं, कोई गुरु नहीं है, सब ढोंगी हैं। ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी कभी निर्बीज नहीं होती है। हनुमान जी जैसे गुरु यदि चाहोगे तो मिल जाएंगे उनकी कृपा से, जैसे शंकर जी की कृपा से इसी कलयुग में तुलसीदास जी को नरहरि नरहराचार्य गुरु रूप में मिले। विद्या अध्ययन कराई गुरु जी ने और विवाह भी करा दिया, परंतु कलयुग का प्रभाव तुलसीदास जी पर भी आया। जब तक अनाथ थे तब तक शंकर जी याद रहे, गुरु जी याद रहे, और जब धर्म पत्नी आ गई तो न शंकर जी से कोई मतलब और न गुरु जी से कोई मतलब। दिन रात पत्नी ही पत्नी याद रही, और उसमें भी इतनी आसक्ति आ गई कि एक दिन को पीहर गई थी तो बाबा को नींद नहीं आई रात में। आधी रात उठ के चल दिए, यमुना जी में एक लाश बह के जा रही थी, उसी के ऊपर नाव समझ के लेट गए, चले गए। जब ससुराल पहुंचे तो किवाड़ बंद, एक सांप लटक रहा था। कहते हैं भूख में कंकड़ भी चना का स्वाद देता है, और कामी को सांप भी रस्सी दिख जाती है। उसे पकड़ के चले गए पत्नी के पास, परंतु ईश्वर जब आंख खोलना चाहता है तो किसी को भी निमित्त बना देता है। और देखिए सबसे बड़ी ग्लानी जब तक हमको नहीं होगी तब तक हमको लक्ष्य नहीं मिलेगा। दशरथ जी को भी राम जी कब मिले, जब मन में ग्लानी हुई कि एक बार भूपत मन माही और भई ग्लानी मोरे सुद डाही। जब तक जीव को ग्लानी नहीं होती है तब तक वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और जब ग्लानी हो जाती है तब उसे अपनी कमी पता लगती है। और ग्लानी कब होती है कि जब कोई अपना ही लगते शब्द कहता है, किसी दूसरे के शब्दों से तो ईर्ष्या बढ़ती है पर अपना ही कोई निकट व्यक्ति चुभते हुए शब्द कह देता है तब ग्लानी होती है। महाराज दशरथ जी से भी देवराज इंद्र ने कहा, इंद्रासन पर बैठे थे दशरथ जी, इंद्र के मित्र थे, उठ के चल दिए। इंद्र ने आकाश गंगा के जल से इंद्रासन को धोया तो दशरथ जी ने पीछे देखा कि इंद्र हम जहां बैठे हैं वहां शुद्धता कर रहे हैं। बोले क्या बात है मित्र, बोले जाओ, बोले नहीं बताओ, बोले देखो तुम निसंतान हो, तुम्हारे संतान नहीं है, तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहिए, हमारे मित्र हो, हमारा इंद्रासन अपवित्र हो जाता है। तो जब मित्र ने चुभता शब्द कहा तो दशरथ जी को ग्लानी हुई, और उसका उपाय करने के लिए देर नहीं की। गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला। इसी प्रकार बाबा तुलसीदास जी गुरु जी को भूल गए, शंकर जी को भूल गए, भगवान को भूल गए, पर जब पत्नी ने कहा कि लाज न लागत आपको दौड़े आए साथ और धिग धिग ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं अस्थि चर्म मैं देह यह और यहां में इतनी प्रीत जो होती भगवान पद तो न हो तो भव। अरे इस हड्डी मांस रुधिर से बने शरीर में इतना प्रेम करते हो, यही प्रेम यदि परमात्मा में होता तो आपका बेड़ा पार हो जाता। पत्नी के शब्द हृदय में लग गए, बचपन का ज्ञान जग गया। बोले अरे मैं तो मोह में अंधा हो रहा था, एक शब्द पत्नी से नहीं कहा, मुंह खोके
जिसने उपदेश दिया वो भूल गई, पर जिसने उपदेश सुना वो नहीं भूला। जब गोस्वामी जी को भगवान का दर्शन हो गया था तो एक दिन रत्नावली ने पत्र लिखा था कटाक्ष में, बोले कटकी भीनी कनक्षम रही सखिन संसोय, मोय तजे को दोष नहीं अनत तजे दुष्क होए। आपने मुझे त्याग दिया, कोई बात नहीं, मैं तो अपनी सखियों के साथ जीवन बिता लूंगी, लेकिन अब जो दूसरी की है उसे मत छोड़ देना। तुलसीदास जी ने कटाक्ष का उत्तर प्रेम से दिया, बोले कटेक रघुनाथ संग, कटेक रघुनाथ संग और बांध जटा सिर केश, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के। हमारी दूसरी पत्नी ये हमारी जटा और राम जी की भक्ति है, अब इसी के साथ कटेगी, पर ये रस हमने पत्नी के उपदेश से प्राप्त किया। लज्जित हो गई रत्नावली, तुरंत गोस्वामी जी काशी गए, शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए, विरक्त दीक्षा ली, क्योंकि बिना गुरु मंत्र के कोई मंत्र फल नहीं देता है। किताबों में हजारों मंत्र लिख रहे हैं लेकिन उनमें तेज नहीं है, क्योंकि जैसे लिखा है ओम नमः शिवाय 5 करोड़ बार जपो तब तेज आएगा, किसके पास है कलयुग में समय? और यही ओम नमः शिवाय किसी गुरु के द्वारा कान में मिले तो एक बार में तेज आ जाता है, क्यों? गुरु जी ने जपा, उनके गुरु, उनके गुरु, परमात्मा से सीरियल आ रहा है। हमारी संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य भगवान राम जी, उन्होंने तारक मंत्र श्री सीता जी को दिया और सीता जी ने यह मंत्र हनुमान जी को दिया, हनुमान जी ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ ने पाराशर को, पाराशर ने व्यास जी को, व्यास जी ने मुनि सुखदेव को, सुखदेव जी ने महर्षि गंगानंदन को, वहां से राघवानंदाचार्य जी को मिला, फिर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी को मिला, उनके द्वारा क्रमानुसार हमारे गुरु जी को प्राप्त हुआ, फिर हमें प्राप्त हुआ। तो इसमें एक बार में ही तेज होता है, और जो किताब का मंत्र है उसे जब तक संख्या के अनुसार न जपो तब तक तेज नहीं आता है। तो गोस्वामी जी पुनः शुकर खेत गए और दीक्षा ली, और फिर आकर के 9 वर्ष तक साधना की। एक बेर के पेड़ को निरंतर शौच का जल डाल देते थे, उसमें एक प्रेत रहता था, अब वो प्रेत अशौच जल से खुश हो गया, बोले मांगो बाबा क्या मांगना है? तुलसीदास जी बोले तू तो स्वयं प्रेत योनि में है, हमें क्या देगा? देखो भूत प्रेत केवल डरा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बेचारे का कांटे की नोक से पतला तो मुंह होता है, क्या करेगा? बोले नहीं, जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो बोले ठीक है, हमें राम जी का दर्शन करा दो। बोले ये मेरे बस की बात नहीं है, और एक बात याद रखिए, राम जी को भजोगे तो राम जी में लीन होगे, हनुमान जी को भजोगे तो हनुमान जी में लीन होगे, और प्रेत को भजोगे तो प्रेत ही बनोगे। यो माम प्रपद्यन्ते तांस तथा ही भजाम्यहम्, जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे वही गति प्रदान करता। आज हम रोज भगवान बदल देते हैं, पहले राम जी को पूजा, फिर बोले चलो बालाजी को पूजते हैं, फिर बोले अब बालाजी भी नहीं सुन रहे, खाटू श्याम को पूज लो, उसके बाद बोले अब तो आजकल साई की बहार है, साई को पूजो। अरे जैसे हमारे यहां अनेकों संत हुए वैसे ही साईं संत है, कोई भगवान नहीं है। अब साईं भी गया तो बोले मसान को पूज लो, प्रेत को पूज लो। एक ही साध है सब सदे, सब साध है सब जाए, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख। एक को पकड़ो,